कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण शुरू हो गया आप शुरू ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पदुर्भयस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश हग विकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्तवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री वृत्तासुर ने युद्ध का समय में भी वो भगवत स्मरण को करते हुए भगवान को स्तुति कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला श्लोक में क्या सुना था, हे प्रभु मैं आपका दासों का दासों का दासों का मैं दास बनना चाहता हूँ। और दूसरे श्लोक में बताए थे हमें इसी जगत का कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्म निजन्म निश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी तोई। महाप्रभु कहते हैं हे प्रभु मेरे को इस जगत का कोई धन जन पुत्र परिवार हमें नहीं चाहिए, जैसे जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी अहेतुकी हमें भक्ति और चरण की हमें केवल सेवा चाहिए है? उसी तरह वृत्रासुर भी वही चीज को प्रार्थना करता है, क्योंकि जब जीव का हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए ना वो हृदय एकदम पूर्ण हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जम लब्धा त चापरम लाभम मन्यते अधिकम तत्, मतलब जगत में केवल भगवत भक्ति ही ऐसे एक वस्तु है जिसको पाने के बाद जीव एकदम तृप्त हो जाता है। लेकिन ये दुनिया का कोई भी वस्तु मिल जाए कोई कभी तृप्त नहीं होते,
इसलिए कहते ना कमाई करो कमाई करो। कमाई का मतलब क्या? कम आई ज्यादा आनी चाहिए ना, कमाई है। इसलिए इस जगत में हमारे आपका यहाँ हलांड का सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति जो होगा, उसको पूछो क्या तुम तृप्त तो हो गया, वो बोलेगा हम पृथ्वी का सबसे बड़े धनी कैसे बनना चाहते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़े धनी। इसलिए राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु की भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख विकारी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल भगवान की भक्ति को द्वारा ही जीव को पूर्ण आनंद और पूर्ण तृप्त हो जाता है। इसलिए भागवत में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को यही प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न है? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कति जगत में इसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने पर जीव को संपूर्ण तृप्ति हो जाए। इसलिए ध्रुव महाराज जी पहले संसार की वस्तु को पाने के लिए तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया, भक्ति मिल गई, बोले प्रभु मैं तृप्त हो गया हूँ, मैं तो जगत का ये कांच को ढूंढते ढूंढते आए था, अगर किसको स्पर्श मणि मिल जाए फिर ये कांच को कौन ग्रहण करेगा। इसलिए प्रभु मैं तृप्त हूँ, हमें मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरण की हमें भक्ति चाहिए। इसलिए दूसरे श्लोक में कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए आपका विरह। विरह मतलब है दिन रात तुम्हारी चिंतन करते 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 उसमें हम ऐसे डूब जाए, ऐसे हम डूब जाए जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जिधर देखे उधर ही आप ही आप ही आप ही नजर में आए हैं। इसलिए और जो तीसरा श्लोक में मतलब जो विरह कैसे चाहिए, कहते गोपियाँ जैसे कृष्ण चिंतन में संपूर्ण डूब जाती थी, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण चिंता में जैसे उसमें पूरा डूब जाती थी श्री राधा रानी कृष्ण चिंतन में, कहते प्रभु हमें ऐसे ही विरह चाहिए, दिन रात तुम्हारी चिंतन करते 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 उसमें संपूर्ण रूप में हम आपस में डूब जाए हैं। इसलिए विरह जो चौथा श्लोक में प्रार्थना करते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? कहते मम उत्तम श्लोके जनेषु शक्य संसार चक्रे भ्रमत स्व कर्म भी। बोले हे प्रभु आपकी माया ही दुनिया को नचा रही है, आपकी माया से भले हम जहाँ क्यों नहीं रहे केवल हमें एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? बोले मम उत्तम श्लोके जनेषु शक्य, अगर हमारी किसी को साथ में अगर मित्रता हो ना, केवल आपका भक्तों से ही मित्रता हो, और किसी व्यक्ति से हम मित्रता नहीं चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्रे कहे लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग हमें चाहिए हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, अगर एक लब अगर जीवन में साधु संग हो जाए सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि मतलब क्या है? बोले भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम जीव को प्राप्त हो जाता है अगर एक लब अगर जीवन में साधु संग हो जाए। इसलिए जब श्री चतुसन श्री पृथु महाराज जी को घर में आए, तब श्री पृथ्वी महाराज जी भगवान के ये सत्यावेश बता रहे, भगवान स्वयं कहते हैं साधु संग की क्या महिमा, क्यों चाहते हैं हमें केवल संतों का संग है, प्रीति केवल साधु संग में हो क्यों कहते हैं? बोले तुलयाम लबेनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव,
भगवता भक्त संगस्य मर्त्यानाम किम उदासीस्य। वो कहते हैं अगर जीवन में एक लव साधु संग हो, भले एक लव साधु संग कितना होता है, भले 1 सेकेंड हो गया, उसको 11 भाग कर लो, 11 भाग का जो एकमा भाव को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संग हो कहते उसमें इतनी महान वस्तु जीव को प्राप्त होता है जिसको साथ में स्वर्ग है। स्वर्ग का सुख कितना सुख है, कितने सुख दुनिया चाहता है हम स्वर्ग जाए, रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तमा जहाँ पर रहती हैं, जहाँ पर सुधर्मा सभा पारिजात पुष्प, जहाँ पर नृत्य गीत खाना पीना, कोई बूढ़ा नहीं होते, कोई मरते नहीं वहाँ पर, सबके सब देवता हाँ अमृत पान करते, कितना सुख सब स्वर्ग में। बोले उससे ज्यादा सुख मोह, उसके ज्यादा सुख जन, उसको ज्यादा सुख तप लोक में, उसको ज्यादा सुख कहते ब्रह्म लोक में, लेकिन उससे ज्यादा सुख कहाँ पर, कहते जहाँ पर जीव जा करके जब साजु जो मुक्ति को प्राप्त करता है, साजु जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं कहते वहाँ पर आनंद का तो कोई सीमा है ही नहीं, आनंद का तो कोई सीमा नहीं वहाँ पर, लेकिन वहाँ इतना आनंद है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। इसका मतलब है जो ज्ञानी लोग हैं अहम ब्रह्मास्मि आनंदमय ब्रह्म, वो लोग हैं जो ब्रह्म को आनंदमय मान करके जिसमें पूरा डूब जाते हैं, वो कहते करोड़ों ब्रह्मानंद अगर मिल जाएगा, कहते कृष्ण जो प्रेमानंद जैसे एक अथाह समुद्र है, कहते जिस समुद्र का एक बूंद को साथ में कहते ये सारे ब्रह्मानंद करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी बराबर नहीं हो सकते, इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में है। इसलिए कहते हैं ये जितने सारे सुख है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, इसमें यही कह रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग मतलब जो मुक्ति। कहते एक तराजू ले लो, एक तराजू का एक तरफ में ये सारे सुख को धर लो, लेकिन ये सकल मिली है समान नहीं जो सुख एक लव साधु संग, भले एक लव साधु संग में जो मिलता है उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हमें क्या चाहिए, हमें साधु संग हमें चाहिए। हाँ प्रीति हो तो किसको साथ में प्रीति हो, कहते हमारे श्री साधु को साथ में ही प्रीति हो, मम उत्तम श्लोके जने से सख्य। इसलिए कहते हैं मित्रता सबको साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे संग ना अब देखना रंग वैसे बदलता है, एक जो जुआरी जो जुआ खेलता है उसको संग करो क्या करो क्या करोगे, 2 दिन बाद में जुआ खेलना शुरू कर दोगे। जो शराब पी है उसका संग में बैठो, भले तुम शराब नहीं पीते हो तो साथ में बैठो, अरे एक ढोकन पी लो, रोज थोड़ी पीते हो, भले नहीं हम पीते नहीं, भले रोज थोड़ी पीते हो, आज थोड़ी सी ले लो, आज दूसरे दिन बैठे और थोड़ी सी ले लो, हैं करते 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 कर देखना एक दिन वो शराब भी बन जाती है। एक चोर को साथ में करो हैं, एक चोर का संग कर 2 दिन बाद फिर चोर बन जाओगे, अगर एक भक्त का संग कर तो फिर क्या होगा, एक दिन हम भक्त बन जाएंगे। जैसे आप लोग हॉलैंड में रहते हो लेकिन इधर रहते हुए भी देखो गले में कंठी तिलक माला हरिनाम क्यों कर रहे हो, किसका संग से प्रभाव, किसका प्रभाव है, भक्तों का संग का प्रभाव है। इसलिए कहते मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य, अगर सख्य सख्य भाव करना हो तो है किसको साथ में, अगर मित्रता बनानी हो तो किसी बहिर्मुख व्यक्ति को साथ में मित्रता मत बनाओ, है बनाओ तो भक्तों को साथ में बनाओ, अगर भक्तों को साथ में अगर मित्रता बनाओगे तो क्या होगा, क्यों भक्तों को साथ में मित्रता बननी चाहिए। कहते जो भक्त है ना एक स्पर्श मणि जैसे, जैसे स्पर्श मणि को पास में अगर लोहे आए तो उसका टच कराओ तो वो भी सोना बना देती है, कहते उसी तरह अगर भक्तों को संग करोगे हाँ
भक्तों को साथ में उठोगे बैठोगे बैठोगे फिर क्या होगा, भक्त हरि नाम करेंगे भजन करेंगे। इसलिए कहते हैं भक्त क्या करते हैं, इसलिए नारद जी वो कह रहे हैं व्यास देव को, बोले व्यास देव मैं तुमको सच सच बता रहा हूँ, मेरी अनुभूति है जीवन में, मैं इतना बड़ा 5 साल उम्र में इतने बड़े साधु बन गया कैसे, कहते केवल एक ही कारण से, हमने भक्तों का संग किया है और उनका रहनी सहनी हमने स्वयं देखा है। बोले भक्तों का रहनी सहनी क्या है, शांतिर अव्यक्त काल त्वम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसति स्थले। जब भक्तों का संग करोगे उनका देखोगे ना वो कर रहे हैं क्या दिन भर, शांतिर अव्यर्थ काल त्वम, ये कभी भी किसी दुख में दुखी नहीं होते हैं, समय को कभी बर्बाद नहीं करते हैं, समय मिले तो प्रभु का नाम कीर्तन भजन में दिन भर लगे रहते हैं। विरक्ति बहिर्मुख वस्तु से विरक्ति, मान शून्यता इज्जत की इच्छा नहीं रखते हैं, हैं? आशा बंद निश्चिंत रूप में भगवान को मुझको जरूर मिलेंगे, समुत्कंठा हर समय उनके अंदर उत्कंठा है, हर समय उत्कंठा बनी रहती है, आज कीर्तन होगा भजन करना ठाकुर के लिए, जन्माष्टमी आज राधाष्टमी आज इसको अच्छे तरह से बनाना है, आज भागवत कथा होगी, आज यहाँ सत्संग होगा कीर्तन होगा, चलो सबके सब हैं भगवान की समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, हर समय उनका बड़ी रुचि रहती है भगवान के नाम गान में सदा रुचि, इसलिए कथा सुनने के लिए हैं आसक्ति तद गुणा क्या, कब कथा सुनेंगे कब भगवान की कथा सुनेंगे उसके लिए उत्कंठा बनी रहती है, प्रीति तत् बसति स्थले हैं, इसलिए उनका जो लीला स्थली कब गिरिराज गोवर्धन जाएंगे कब वृंदावन धाम जाएंगे कब नवद्वीप धाम जाएंगे कब से जगन्नाथपुरी जाएंगे, उत्कंठा इनके अंदर में। अगर भक्तों का संग करोगे क्या क्या होगा, अगर ऐसे भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 उनका जो स्वभाव है ना धीरे 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 धीरे, जब कोई व्यक्ति देखेगा भैया ये दिन भर बैठे करके प्रभु का भजन कीर्तन छोड़े कुछ करते नहीं, फिर क्या होगा हम भी उनके साथ में धीरे धीरे लग जाएंगे। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं व्यास देव मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, ये संतों का जब रहनी सहनी हमने देखा और इनको साथ में भास धीरे 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 उनका रंग भी धीरे धीरे मेरे ऊपर में चढ़ने लग गया, धीरे धीरे उनका रंग भी धीरे धीरे चढ़ने लग गया। इसलिए जो संघ का जो सबसे ज्यादा जो महत्व बताया ये संघ का महत्व सबसे ज्यादा है, हाँ? सबसे ज्यादा महत्व संघ है, इसलिए भगवान स्वयं अपना माँ को ये बात कहते हैं, बोले माँ अगर ये भवसागर से पार होना चाहते हो तो बोले एक ही काम करो, बोले क्या है, बोले संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओए तेरो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। उसमें कह रहे हैं कि कबीर का दुआ है, इसलिए काकसे तोए हंसा बनावे है, इसलिए कहते जो कौआ से ना तेरे को तुम हंसा बना देंगे कौआ से, हैं कौआ से तुम हंसा बन जाओगे, इसलिए होए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए इसमें कहते हैं भक्तों का संग अगर हम करेंगे तो हमारा अच्छा ही बनेगा, हैं तुम्हारी जीवन सुधर जाएगी तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, हैं इसलिए संतों का संग में भगवान माँ को कह रहे, बोले माँ केवल एक ही काम करो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आगे जो होगा ना अपने आप हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा आगे की कुछ, केवल जा करके भक्तों को संग में बैठो कथा सुनो और उनकी सेवा करो अपने आप आगे अपने आप बन जाएगी। इसलिए साधु संघ की महिमा भगवान स्वयं बताते हैं, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर जसंविदो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा तजोसन आसु अपवर्ग वर्तमनी
श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम सती। बोले संतों का संग करोगे तो क्या होगा, सब पहले श्रद्धा होगी और उसको बाद में रति होगा, फिर धीरे 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 प्रेम में भगवत दर्शन हो जाएगा। इसलिए सतांग प्रसंगात मम वीर्य संवितु। बोले माँ साधु संघ का प्रभाव से क्या होगा, मम वीर्य संविदो, उनको साथ में जो मेरी कथा होती है ना, बड़ी बलवान कथा है, बड़ी बलवान कथा है, हैं? इसलिए एक भक्त लोग उदाहरण दे रहे थे, देखना शादी से पहले लड़की का मन इधर उधर भटकती है, और जब तक संसार में बच्चा नहीं हो जाता और तो मन भटकती है, लेकिन जब अपना बच्चा हो जाता है फिर क्या होता है, कहते भगवान की कथा कैसे, बोले मम वीर ज संविदो, हैं? जैसे वो बड़े बलवान कथा, जैसे अपना जो बच्चा हो जाएगा फिर क्या करते हो, फिर अपना बच्चे को कैसे रखना, पढ़ाई कैसे करना, उसको लालन पालन करना, उसमें फिर मैया उसमें फिर लग जाती, फिर जो मन है ना फिर इधर उधर फिर मन उसकी नहीं भटकती है। कहते उसी तरह कहते माँ मम वीर ज संविदो, मेरी ब्रजवती कथा को जब श्रवण करते हैं उसके हृदय में क्या होता है, कथा के माध्यम से मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ, कान के माध्यम से मैं स्वयं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके क्या होता है, पर हृदय में भगवत प्राप्ति भगवत प्रकट हो जाता है, इसका जो मन है ना फिर इधर उधर कहीं फिर भटकता नहीं है, मन उसको एक जगह पर स्थिर हो जाता है। इसलिए भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, तो उदाहरण देते हैं भगवान की जो कथा है कैसे है, बोले भव औषध छत्र मन विरामा, वहां पर उदाहरण दिया है भगवान की कथा, जैसे दवा को साथ में उदाहरण दिया है दवा को साथ में, बोले दवा को साथ में भगवान का कथा दवा जैसे, बोले हाँ आप देखना जो दवा होता है ना अक्सर करके जो एलोपैथी की दवा हम क्या करते हैं, बहुत कड़वी होता है उसको मुंह में डाल करके छट पानी से जत अंदर में गटका देते हैं, बोले क्या भगवान की कथा ऐसे ही कड़वी होती है, कड़वी होती, बोले नहीं, बोले हृत कर्ण रसायन, मतलब हृदय और ये कान को ये बड़े रस प्रदान करते हैं, बड़े आनंद प्रदान करते हैं, कथा बड़ा आनंददायी है, हृदय गदगद हो जाता है, कान तृप्त तो हो जाता है, भगवान कथा सुनकर कान तृप्त तो हो जाते हैं, बोले हृत कर्ण रसायन, ये रसायन कहते हैं 10 तरह का जड़ी बूटियों को द्वारा वो दवा बनती है, उसको पान करो ना कहते शरीर का सारे बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगी, है शरीर का सारे बीमारी सही हो जाती, शरीर एकदम हेल्दी हो जाती है। कहते उसी तरह कहते माँ ये भगवान मेरी जो कथा है ये रसायन नहीं है, ये रसायन कथा, इसको पान करोगे तो तुम्हारे हृदय भर जाएगा, कान को तृप्त होगा, और जो भक्ति जगत में तुमको बहुत स्ट्रांग आएगी, भक्ति जगत में क्यों कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग कर खिचले कहते हैं, तो साधु संग से भगवान की भक्ति की महिमा पता चलता है, फिर जीव क्या करता है, फिर माला लेकर भजन करता है, अगर भक्तों का संग नहीं करोगे तो क्या होगा, हरि नाम में रुचि नहीं आएगी, सवेरे उठोगे नहीं सोते रहोगे, ठाकुर का आरती नहीं करोगे, ठाकुर को पूजा नहीं करोगे, ठाकुर को सेवा नहीं करोगे, लेकिन भक्तों का संग करोगे तो, फिर महाप्रभु उदाहरण देते हैं जैसे हमने एक पौधा लगाया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो कब तक वो पौधा जिंदा रहेगा, पानी नहीं देगा तो 2 दिन बाद सूख ही जाएगा, इसलिए कहते श्रवण कीर्तन जले करे सचन, गुरुदेव तो नाम रूपी कृष्ण मंत्र रूपी बीज तो बो दिया, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो कब तक वो पेड़ जिंदा रहेगा, जैसे गमला में जैसे तुलसी ट्री वृक्ष है, अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा तो फिर सूख ही जाएगा। कहते उसी तरह ये भक्तों का संग किया है, नित्य श्रवण कीर्तन जले करे सचन, उसको रोज पानी देना पड़ता है तभी तो वो इतना सुंदर पनपनाते हुए इतना सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए पानी क्या है, बोले साधु संग है, अगर रोज रोज अगर साधुओं का संग करोगे ना फिर क्या होगा, धीरे 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 वो पनपनाते हुए बढ़ते जाएगी, फिर बढ़ते जाएगी लता, फिर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड भेद करते हुए, फिर ब्रह्म लोक को भेद करते हुए, फिर शिव लोक को भेद करते हुए, फिर वैकुंठ, फिर श्री द्वारका, फिर मथुरा, फिर वृंदावन जा करके बस
ठाकुर जी का चरण को जा करके आश्रय करेगा, फिर उसमें सुंदर सुंदर फल होगा, हैं प्रेम फल होगा, और ऐसे फल है जिसमें गुठली भी नहीं, इसमें छिलका नहीं, बस खूब पीते रहो, खूब पीते रहो। इसलिए कोई कोई संत उदाहरण देते हैं, कह देखो अभी तो साधु संग मिले, हरी कथा सुने, फिर आप लोग सब चले जाओगे, फिर कथा से कहाँ सुनेंगे, फिर कथा कहाँ सुनेंगे। कहते अभी बोतल में भर कर रख लो, बोतल में भर कर रख लो, फिर जो प्यास लगेगी ना, फिर बोतल खोलना, फिर एक घोट पीना, हाँ एक घोट पीते रहना। इसलिए इसलिए कहते हैं मम वीर्य संविदो भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा। इसलिए कथा को रसायन को साथ में उदाहरण दिया है, कथा रसायन ही एकदम शरीर को मन को एकदम हरा भरा कर देती है। मतलब जितने भक्तों का संग करेंगे ना भजन करने को, उतना वृत्ति जगता है, उतना ही भजन में हरि नाम में भक्ति में उतना उत्साह मिलता है। इसलिए रसायन कथा बोले तजो सन आसु अपवर्ग वर्तमनी, भगवान के भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी 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 कहते आ पा वर्ग वर्तमनी। पहले हम सुन रहे थे ना प वर्ग मतलब प प ब म है, इसलिए इस सब के सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। प में परिश्रम, भ में फेण, भ में व्यर्थता, भ में भय और म में मृत्यु है। कहते ये सब के सब तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे श्रद्धा रति भक्ति और एक दिन भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगी। बोले कैसे होगा, बोले केवल साधु संग से और किसी चीज को द्वारा नहीं। इसलिए कहते मम उत्तम श्लोके जने सुसक्य, बोले हे प्रभु अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो ना, यही एक चीज दो, मेरी जो मित्र था मेरी जो सख्य था केवल तुम्हारे भक्तों से हो, केवल तुम्हारी भक्ति से हो। इसलिए ध्रुव महाराज जी को जब भगवान दर्शन दे दिया, बोले वर मांगो बेटा, भगवत दर्शन हो गया, बोले वर मांगो, उन्होंने नहीं बताया प्रभु आपका संग हमें मिले, क्या मांगे, बोले आपका भक्तों का संग दो। बोले मैं तो मेरे को दर्शन हो गया, तो मेरे को दर्शन कर लिया ना, मेरे को फिर मेरे भक्तों का संग क्यों चाहते। बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आप कथा तो आप नहीं सुनाओगे, आप कथा तो आपका भक्त लोग सुनाएंगे। इसलिए भक्तों की मुखारविंद से तुम्हारी कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती रहती है, अगर मैं उसमें गोता लगाते रहूंगा ना, बस अपने आप तुम्हारी चरण में हमारा मन अपने आप टिका रहेगा, अपने आप ये मन तुम्हारी चरण में अपने आप लगा रहेगा। इसलिए हे प्रभु देना तो आपका भक्तों का संग हमें प्रदान करो, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति को बाद में भी वो भक्तों का संग को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवत भक्तों का संग प्रार्थना। इसलिए जीवन का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, जिसको सामने मुक्ति सुख भी तुच्छ हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कहते लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, बोले अगर जीवन में एक लव अगर जीवन में साधु संग हो जाए तो कहते उसको सर्वसिद्धि हो जाता है। तब प्रश्न यह करते हैं भैया ये साधु संग से मिलता है क्या है, हमें इस साधु संग से क्या मिलती है। तब उन्होंने बताया ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को वो भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है, हैं? भक्ति लता रूपी, भक्ति को उदाहरण दिया किया ये एक लता है, ये एक क्रीपर है, लता है, लेकिन जब तक तो उसका बीज नहीं होगा लता थोड़ी होगा। बीज बोगे फिर तो वहां से लता धीरे धीरे निकलेगा, बीज के बगैर लता कहाँ से हो जाएगी। कति जो बीज कहाँ से मिलता है, कति ये बीज क्या चीज है, कति जो बीज है ये श्रद्धा को बीज बताया है, ये श्रद्धा ही बीज है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कब होगी, जब कथा सुनेंगे तभी तो होगा,
हमारी अंदर में, आप लोगों के अंदर में भगवान के प्रति इतना भावना कहाँ से आई, कहाँ से आई? जब भक्तों का संग किया, कथा सुने, तब धीरे 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 क्या हुआ? पहले, सबसे पहले क्या हुआ? हाँ, पहले श्रद्धा जगी, पहले श्रद्धा हृदय में जगा है। कभी ये श्रद्धा ही, यही भक्ति का बीज, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा ही इसका बीज है। इसलिए कहते हैं जब भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, हृदय में जो श्रद्धा होती है, केवल भक्तों का संग से ही ये श्रद्धा होती है, यही ये बीज है। इसलिए इसलिए यही बीज से धीरे 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 दो अंकुर होगा, फिर दो पत्ते होगा, फिर इसमें टहनिया जो आगे आगे बढ़ेगी। इसका मूल कारण है भक्तों का संग, भक्तों का संग से ही ये श्रद्धा प्रकट होता है। इसलिए बोले इतने थोड़ी सी संग में महान वस्तु की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव ने सुंदर एक कथा सुनाया करते थे, साधु संघ की क्या महिमा। एक समय गुरुदेव बोले, एक दिन क्या हुआ, श्री विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी के घर में से वशिष्ठ जी आए। जैसे कोई घर में आए, फिर हम क्या करते, साधु आए तो चरण धुलाते हैं उसकी, फिर बैठाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको बड़े प्यार देते हैं। अभी एक साधु को घर में आए, अभी कुछ दिन रह करके जब श्री वशिष्ठ जी वापस जा रहे थे, जैसे आपका घर में कोई आए कुछ दिन रहे, जब वापस जाते हो क्या करते हो, क्या करते हो? घर के लिए कुछ कपड़ा लत्ता देते हो, कुछ मिठाई देते हो, कुछ ले जाओ अपना बच्चों के लिए, अपना कपड़ा लत्ता कुछ गिफ्ट देते हैं। अभी ये दोनों ही भक्त हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने देखा हमें कुछ वशिष्ठ को देनी चाहिए, सोचे क्या दूं। तो उन्होंने बोले, मैंने 10,000 साल तक मैंने जो तपस्या की है, वो तपस्या के फल मैं आपको प्रदान करता हूं। वशिष्ठ जी सर झुका करके उसको लेकर चले गए। कुछ दिन बाद में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के घर में आए, और वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र को उन्होंने भी बड़े स्वागत किया। हाँ, आसन देकर बैठाए, चरण धोए, और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर घर में खाना बनाए और उन्होंने उनको खिलाए। अभी श्री वशिष्ठ विश्वामित्र जी वशिष्ठ के घर में जा वशिष्ठ घर से जा रहे हैं। जब जा रहे, इन्हें भी कुछ देनी चाहिए, लेकिन वशिष्ठ कौन है? भगवान राम के भक्त है। हाँ? और विश्वामित्र कौन थे? वो जोगी थे, तपस्वी, योग साधन करने वाले, और ये राम के भक्त है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मेरे को तो जीवन में लगता नहीं मैंने कभी साधु संग की है, अगर हमने कभी साधु संग किया तो उसका जो एक लाभ है, का जो फल है, उसको हम इनको प्रदान करते हैं। बस इतना जो बोले, सुनते ही विश्वामित्र भड़क गए। बोले, क्या आप मेरे घर में आए हो, आपको मैंने 10,000 साल तपस्या का बल प्रदान की, और आपने मेरे को क्या दिया? ऐसे मेरे को याद नहीं आता है मैंने कभी साधु संग किया, अगर किया तो उसका एक लव का फल दे रहा हूं, हाँ? अगर नहीं किया तो गया बेकार है, और मैंने आपको इतना बड़ा वस्तु दिया। वो तो एकदम भड़क गए, नाराज हो गए। आप देखना संसार में भी है, जैसे आपका बेटा का शादी हो रहा है, आपका परिवार जो रिश्तेदार है, क्या होता है, वो कुछ कुछ सामान देते हैं, कपड़ा लत्ता ये सब चीज को देते हैं। फिर जो उनको जब शादी होता है ना बेटे को, उन्होंने जो जो दिया उनको भी वो चीज देना पड़ता है। अगर थोड़ी कमती चीज दे दिया ना, खोल कर देखते हैं इन्होंने क्या दिया, हमने क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया। अगर थोड़ी सी कमी चीज होगा, बोले देखो हमने उनका बेटा का शादी हुआ तो ये चीज दिया, देखो हमारे बेटे का शादी में उसने क्या दिया। इसी दिन कभी कभी घर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, उसी तरह उन्होंने बोले आपने मेरे को क्या दिया। तब श्री वशिष्ठ जी राम के भक्त है, बोले देखो आप अगर बोलना चाहते तो चलो हम ये दोनों बात लेकर के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को पास में चलते हैं, जैसे ये चीज को जो विचार करके बता सके। आप जो मेरे को दिया वो श्रेष्ठ ना, मैं आपको जो दिया वो श्रेष्ठ है। बोले किसको पास में चले? बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते, ये पितामह है, ये दुनिया को सृष्टि करने वाले, और चतुर्मुख में भगवान के नाम जप करते हैं, और ये स्वयं हुए,
भगवान की नाभि कमल से सृष्टि हुई, उनको पास में चलो। उनको पास में गए तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने ये योग साधन करके ना, ये तपस्या करके ही ये ब्रह्म पद को प्राप्त किया, इसलिए मेरे को पता है ये तपस्या का फल क्या हो सकता है। लेकिन भैया हम तो कभी, मेरे को याद आता ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में साधु संग किया है, मेरे को तो याद नहीं आता है। क्योंकि जो साधु संग की जो महिमा है, हाँ साधु संग की जो महिमा है, अपरंपरा है, उसको कोई हाँ उसके कोई बराबर नहीं कर सकते हैं। साधु संघ की क्या महिमा है, इसलिए भैया मैं तो साधु संघ की महिमा में बता ही नहीं सकता हूँ, हाँ बता ही नहीं सकता हूँ। बोले भैया फिर तो फिर कहाँ जाए, बोले चलो शंकर जी के पास में चलते हैं। क्यों, शंकर जी ये भी जोगी जोगी महायोगी शंकर जी, और शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी वैष्णवानाम जथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है, और पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान की नाम जप करते, चलो श्री शंकर जी के पास में चलते हैं। अभी श्री शंकर जी के पास में गए और अपना बात को रखे, शंकर जी ने कहा, देखो मैं जोगी जोगी महाजोगी हूँ, मेरे को पता है योग साधन का क्या फल, मेरे को पता, लेकिन मेरे को तो ये कभी याद नहीं आता मैंने कभी जिंदगी में साधु संग किया है, हैं? और साधु संग की जो महिमा है ना, कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि साधु संग का मतलब होता है ऐसे नहीं जा कर केवल साधु के पास में बैठ गए, नहीं उसको संग नहीं कहता है। संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन, पूर्ण रूप में उनकी जो रास्ता को अपना जीवन में उतारना, इसको साधु संग कहते हैं, हैं? इसलिए पास में बैठने पर साधु संग नहीं होता है, हैं? पास में बैठने पर साधु संग नहीं होता है, जब तक कि उनकी भक्ति साधन, उनकी जो भजन का परिपाटी, जब तक अपना जीवन में नहीं उतारते हैं। जो बड़े बड़े जट्टा जुटा धार करते ना साधु, देखना उनका सर पर एक कीड़ा होता है, जीव होता है, वो भी वो जट्टा को अंदर में रहता है, लेकिन वो क्या करता है, साधु का खून चूसता है, साधु का जाता है सर पर, लेकिन क्या करता है, खून चूसता है। वो साधु जब सोते हैं मच्छर भी जाता है साधु संग करता है, क्या करता है, वो भी खून चूसता है, मच्छर भी जाकर खून चूसता है। इसलिए साधु को पास में रहने पर ही साधु संग नहीं हो जाता है। बोले एक समय कोई एक गुरु जी किसी भक्तों घर में गए, जब भक्तों घर में गए तो भक्तों बड़ा, वो जो भक्त बड़े धूर्त भक्त थे, हाँ दुष्ट बस तो बड़े दुष्ट भक्त थे। अभी जब गए उसने क्या किया, जो गुरुदेव ना जो पकेट में जो पैसा था वो पैसा को निकाल कर ले गए, ले करके उसने मार्केटिंग किया, हैं बड़े सुंदर मार्केट करे, गुरुदेव को बहुत खिलाया। गुरुदेव ने कहा, वाह तुमने क्या खिलाया, क्या तुमने सब्जी बनाई, क्या तुमने बनाया। बोले गुरुदेव सब आपका ही, गुरु जी को पता नहीं वो पकेट खाली कर दिया है, गुरु जी का पकड़ से पैसा ले ले करके और सारे मार्केटिंग करके ना, गुरुदेव जो गुरुदेव बोलते क्या बनाया, बोले गुरुदेव सब आपका ही है ना। अभी आपके आपके गुरुदेव जब जाने लगे तो गुरुजी ने देखा पूरा पकड़ खाली। इतने में गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पकेट में जो पैसा था वो पैसा गया कहाँ। बोले गुरुदेव मैंने आपको कहा था ना सब आपका ही है, मैं तो कह दिया सब आपका ही है, आपका पैसा लेकर के मार्केट गया आपको खिलाया। बोले गुरुदेव ने कहा सब मेरा ही है। बोले प्रभु गुरुदेव सब, बोले घर किसका, बोले घर आपका ही है। बोले दुकान वकान किसका, बोले आपकी है, हैं बोले सब आपकी है, बोले सब मेरा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है मैं दिखाता हूँ। गुरुदेव ने क्या किया, बोले ट्रक बुलाया, ट्रक बुला करके बोले सब मेरा है, इसको सब लदो घर का जितने सामान, बोले चलो हाँ ये ट्रक में सारे सामान को लदो ट्रक में, हम इसको ले जाते, सब मेरा है ना। जब गुरुदेव ने सारा चाह, वो शिष्य बड़े धूर्त है, हाँ बड़े धूर्त है, उसने कहा गुरुदेव आपका तो सब है, लेकिन मैं तो आपका शिष्य हूं ना, शिष्य का जो अधिकार गुरु जी के चरण में, इसलिए उसने इतना बड़ा तलवार लाया। बोले गुरुदेव अपना पैर को काट करके रख कर जाओ, क्योंकि सब गुरु शिष्य है ना,
शिष्य का तो अधिकार गुरु जी के चरण में होता है ना, चरण पूजा। अगर आप सब अगर ले जाएंगे, फिर मैं तो आपका चरणों का आश्रय करके लूंगा, तलवार लाए बोले गुरुदेव दोनों पैर काट कर रख ले जाओ। गुरुदेव ने कहा भैया तू अपना सामान रख, मैं जा रहा हूँ। हाँ, इसलिए इसलिए कहते जो संग मतलब होता है, संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन। उनका जो भक्ति जो उपदेश है, जो भजन करते हैं, वो भजन का जो मार्ग को संपूर्ण रूप में अपना जीवन में उतारना है, इसको संग कहते हैं। इसलिए यहाँ पर शंकर जी बोले देखो साधु संघ की महिमा तो मैं बता ही नहीं सकता, इसलिए मैं जोगी जोगी महाजोगी मैंने इस शंकर पद को प्राप्त किया, जोग साधन का फल तो बता सकता लेकिन साधु संघ की महिमा नहीं। बोले भैया फिर किसको पास में चले? बोले उनके गुरु जी को पास में चलते हैं। शंकर जी का गुरु कौन है? कौन है गुरु शंकर जी का गुरु? बोले श्री आनंद देव। श्री आनंद देव शंकर शरण इनके गुरुपाद पद्म। शंकर जी गला में सर्प है, सारा शरीर में जो सर्प है ना वो कौन है? अपना गुरु जी को शंकर जी भूषण बना कर रखे हैं। कहते जीवन का अगर भूषण बनाना तो अपना गुरु जी के उपदेश को, गुरु जी को ही जीवन का भूषण बनाओ हैं। इसलिए बोले अनंत देव के पास में चलो। अनंत देव के पास में गए, बोले अनंत देव क्या कर रहे हैं? अपना सर के ऊपर में ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सर के ऊपर उन्होंने धारण करके रखे। अभी जा करके अपना अपना बात को रखा, ऐसे ऐसे बताओ ये एकलव्य साधु संघ की महिमा श्रेष्ठ ना, 10,000 साल जोग साधन के बल श्रेष्ठ, तपस्या के बल श्रेष्ठ। आनंद देव ने कहा देखो तभी मैं तुम्हारी बात को मैं विचार कर सकता हूँ, मेरे सर के ऊपर में ये ब्रह्मांड रखा हुआ, भोजन रखा हुआ, तुम दोनों ने कोई एक व्यक्ति थोड़ी सी इसका हल्का कर दो, थोड़ी समय के लिए इसको धारण कर लो, तभी तो मैं किसी चीज को विचार करके बताऊंगा। इतने में श्री विश्वामित्र जी को बोले, विश्वामित्र तो बड़े अभिमान से बोले मैंने 10,000 साल जो हमने तप किया है वो तप का फल मैं प्रदान करता हूँ। हे पृथ्वी देवी आप अनंत देव का सर के ऊपर से हल्का हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। जो इतने बोले वो ऊपर क्या उठेगा, और ज्यादा वजन हो गया। बोले तुमने क्या बताया, वो पहले से ज्यादा वजन हो गया मेरे सर पर, तुमने क्या दिया तुमने? तब श्री वशिष्ठ जी को बोले, वशिष्ठ जी बड़े दीनहीन भाव से बोले, भले मुझे तो याद आता ही नहीं कभी मैंने संतों का संग किया है, अगर हमने कभी किया तो उसका एक मुहूर्त का फल मैं प्रदान करता हूँ। हे पृथ्वी देवी अब हल्का हो जाओ। इतना बोलते ही पृथ्वी इनके सर का ऊपर से अपने आप उठ गया है, अपने आप पृथ्वी ऊपर उठ गई। इतने में फिर श्री आनंद देव जी कहते हैं अभी तुम स्वयं विचार कर लो, मेरे को कुछ बोलने का जरूरत नहीं। फिर श्री विश्वामित्र जी को पता चला भैया साधु संघ के बराबर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए पहले विश्वामित्र से पहले तपस्वी थे, पहले ये हैं राज ऋषि थे, फिर उन्होंने ब्रह्म ऋषि को प्राप्त करने के लिए फिर उन्होंने तपस्या किया। कहते ब्राह्मण का जो शक्ति है, भक्ति का जो शक्ति, उससे बड़ा शक्ति जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए साधु संघ की महिमा बहुत बड़ी, साधु संघ की महिमा है उसको द्वारा कृष्ण भक्ति लता की श्रद्धा जो बीज प्राप्त होता है, फिर वो बढ़ते 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 एक दिन ठाकुर जी का चरण तक पहुंचता है। इसलिए श्री श्री बित्रासुर कहते हैं बोले मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। बोले प्रभु आपकी माया के द्वारा भले ही संसार चक्र में मैं भ्रमण करते रहो, हे प्रभु केवल एक ही वरदान दो, जैसे तुम्हारी भक्तों का साथ में मित्रता हो, तुम्हारी भक्तों का संग हमें मिलता रहे, अगर मिलता रहेगा तो मेरी भक्ति बनी रहेगी, मेरी भक्ति बनी रहेगी, आपका चरण में मन अपने आप चरण में मेरा मन लगा रहेगा। इसलिए बित्रासुर की जिसमें उपाख्यान हो, जिसका स्तुति हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भागवत। क्यों? जिसमें भगवान के भक्तों की महिमा, उनके दासों के दासों के दासों की महिमा, फिर उसमें संसार का कोई चीज नहीं चाहते हैं, केवल
केवल एक चीज चाहते हैं, दिन रात आपका विरह में मेरा मन आपका चरण में डूबा रहे। इसलिए इनका स्तुति को क्या कहते हैं, भागवत इनकी स्तुति को कहते हैं। इसलिए बोले श्री साधु संघ की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल भद्र।